पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई 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 केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। राज्य सरकारों को कुछ नहीं करना है, बस ईमानदारी से अपने अपने राज्य के किसानों की सही सूची बनाना है और वो लिस्ट तुरंत हमको पहुंचाना है, अगर जितनी जल्दी सूची आ जाएगी। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, गुजरात सरकार का, महाराष्ट्र सरकार का, उत्तराखंड की सरकार का, ऐसी कई सरकारों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को प्राथमिकता दी। लेकिन ऐसी भी कुछ राज्य सरकारें हैं जिनकी नींद अभी खुली नहीं है, उनको लगता है कि इस पर वो राजनीति करने जाएंगे। मैं इन सरकारों को चेतावनी देता हूं, अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। अरे आप विरोधी दल की सरकार हो सकती हो, लेकिन मेहरबानी करके किसान तो हमारे देश का है, उसके साथ राजनीति क्यों करते हो, क्यों उसके साथ खिलवाड़ करते हो? भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस योजना को लेकर किसी के बहकावे में ना आए। हमारे विरोधियों ने, महामिलावटी लोगों ने ये योजना का सुना तो आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, चेहरा लटक गया था। मरे पड़े थे, मरे पड़े थे। उनको लग रहा था सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए। और इसलिए अब क्या कर रहे हैं, अब झूठ बोलना, अफवाहें फैलाना, ये तो मुझे लगता है शायद उनका जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव। इसलिए अब एक नई अफवाह चालू की है, उन्होंने अफवाह ऐसी चालू की है और किसान इसको समझे, उन्होंने ऐसी अफवाह चालू की है कि मोदी ने अभी 2000 रुपया दिया है, बाद में भी 2000 देगा, उसके बाद भी 2000 देगा, लेकिन साल भर के बाद ये मोदी वापस ले लेगा, वापस ले लेगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों।